नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम करने वाले कोबरा प्रेशर हॉर्न की अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने हार्वेस्टर में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ऊपर की ओर लिखा मिल जाता है कोबरा ऑटोमोटिव्स, नीचे 12 वाट की बेजिंग, 24 वाट एयर प्रेशर हॉर्न म्यूजिकल। तो और इसमें आपको साइड में मिल जाता है टोटल 40 साउंड इसमें आपको मिल जाते हैं और ये हमने परचेस किया था 2000 रुपीज़ में। इसको खोलते हैं अपन और सबसे पहले इसमें अपने को रखी मिल जाती है ये एक पाइप, एयर पाइप। इसको रखते हैं साइड में और निकालते हैं अपना हॉर्न को, करते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग। ये रहा हमारा प्रेशर हॉर्न, इसको रखते हैं सबको साइड में। तो कुछ ऐसा दिखता है अपना ये प्रेशर हॉर्न, ये देखिए, ये हमारे को तीनों हॉर्न मिल जाते हैं इसमें। ये हमारा कंट्रोलर जिसमें कि आपको टोटल 40 साउंड्स मिल जाते हैं और ये आपको दिए गए हैं इसको कैसे लगाना है वायर्स को। और यहाँ पे 3 वायर मिल जाते हैं हमारे को, ये अपनी मेन लाइन हो गई, ये अर्थ हो गया और ये लगेगा स्विच के साथ, और ये दोनों कॉमन है साथ में लगेंगे। तो अब हम इसको अपने हार्वेस्टर में लगाने वाले हैं और यहाँ साइड में लगाएंगे इधर। तो दोस्तों, ये बड़ी मेहनत के बाद हमने ये हॉर्न को यहाँ लगा दिया है और उसी के साथ में ये जो पाइप दिख रहा है एयर पाइप, वो हमने यहाँ से लेकर ये पूरा ये सीधा सीधा यहाँ नीचे ये हमने अपने सिलेंडर के साथ फिट कर दिया है। और अब हम ये जो वायरिंग है इसको हम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये जो तार है इसको हमने ये ठीक से बांध लिया है ये वाला, और ये यहाँ पे ये सारे तार से ले आए हैं। ये सारे हॉर्न के वायर हैं, आप देख सकते हैं ये। और यहाँ से हमने ये कंट्रोलर को ऊपर लेके गए हैं और ये सारे वायर्स, और यहाँ अंदर से टैंक में से लेके गए। अब हम चलते हैं ऊपर और आपको बताते हैं ऊपर कौन कौन सी वायरिंग करी है। तो सबसे पहले ये जो है हमने हमारा कंट्रोलर यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पर जो हमने नीचे से जो चारों वायर्स लेके आए थे वो यहाँ से हमने निकाल कर ये बाहर निकाल दिए हैं। और ये रहे वो वायर, इसमें हमने सेम कलर्स जो नीचे लगाए हैं वो यहाँ पर भी लगा दिए हैं। और आप देख पा रहे होंगे इसमें ये जो पिंक वाला जो वायर है ये हमारा स्विच के साथ जुड़ेगा, इसमें ये जो ब्लैक वाला वायर जो है वो अर्थिंग का है और जो रेड वाला है ये मेन लाइन का है करंट का। और यहाँ से हमने ये लिए हैं और ये जो वायर है अपना अब देख पा रहे होंगे, ये वाला वायर जो है ये अर्थिंग का है और ये वाला जो वायर है ये अपना करंट का है, और ये यहाँ से जाकर ये स्विच का वायर यहाँ से जाकर ये अपनी ये यहाँ ये बटन वाले में यहाँ पर स्विच वाले में लग जाता है ये। तो अभी हमारी सभी वायरिंग जो है वो हो चुकी है लगभग कंप्लीट, अब हम आपको इसे बजा कर दिखाएंगे। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।